Morning students, welcome to our science class. Today we will start our new chapter. कौन सा हमारा new chapter? Chapter number 4, animal lifestyle. Animal की lifestyle कैसी होती है इस chapter में हम read करेंगे. You know animals? Animals तो जानते हो ना सभी. Animals क्या होता है? उनकी lifestyle, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे सांस लेते हैं, ठीक है, कहाँ पर रहते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? रियलाइज दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर सुटेड टू देयर इन्वायरमेंट इन विच दे लिव. वो अब हमारे इन्वायरमेंट में किस प्रकार रहते हैं, उनकी बॉडी कैसे सूट करती है, वो हम इसमें देखेंगे. डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच एनिमल्स ब्रीथ, ठीक है, वो सांस कैसे लेते हैं, और इनके फूड हैबिट्स पढ़ेंगी उस, और वो एनिमल्स मूव कैसे करते हैं वो पढ़ेंगी, और वो जो एक्सप्लेन वाई सम एनिमल्स माइग्रेट, और हम ये भी इसमें पढ़ेंगे कि जो सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स रहते हैं वो माइग्रेट क्यों करते हैं, मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस क्यों जाते हैं. ठीक है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, सो यू नो डैट एनिमल्स लाइव एवरीवेयर ऑन द अर्थ. आप क्या, आप जानते हैं कि एनिमल्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एनिमल्स हमारी जो अर्थ है उस पर सभी जगह रहते हैं. दे लाइव डीप इन साइड द ओशियन इन ड्राई डिसर्ट वेयर देयर इज वेरी लिटिल वाटर एंड ऑल्सो ऑन हाई माउंटेन विच आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो. पता है आपको एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं? ओशियन, समुद्र में रहते हैं, और ड्राई डिजर्ट्स में भी रहते हैं जहाँ पर हम बहुत कम पानी मिलता है वहाँ पर भी रहते हैं, और ऐसी जगह भी रहते हैं हाई माउंटेन पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ पर स्नो से पूरे उनके बॉडी कवर रहती है, ऐसी जगह भी रहते हैं. ठीक है, यू ऑल्सो नो डैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ. और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल रहते हैं पृथ्वी पर. दे डिफर इन साइज एंड शेप एंड इन देयर हैबिट्स एंड बॉडी फीचर. और उनकी डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है, शेप्स होता है, और उनके हैबिट्स भी अलग अलग होती है. कोई तो फूड खाते हैं, कोई नॉन वेज खाते हैं, कोई वेज खाते हैं, कोई ग्रास वगैरह लेते हैं, कोई ट्रीज़ की लीव्स वगैरह खाते हैं. ठीक है, सब अलग अलग होती है, उनकी बॉडी फीचर्स भी अलग होते हैं. ठीक है, कोई कैसे बने हुए हैं, कोई कैसे बने हुए हैं. ठीक है, All animals, no matter what their body structure on where they live, have to perform certain life functions. और ये all सभी animals का ये matter नहीं करता कि उनका body structure कैसा बना हुआ है, उनके रहने के लिए उनको ये matter नहीं करता है कि उनका body structure कैसा है, वो कहाँ रहते हैं, ये matter नहीं करता है. The important among these are breathing, feeding and movement. क्या matter करता है, क्या important रहता है कि वो सांस कैसे लेते हैं, वो खाना क्या खाते हैं, और वो movement क्या करते हैं. ठीक है, animals have certain organs in their body which they use for performing their life functions. ठीक है, और क्या एनिमल्स की जो सर्टेन ऑर्गन्स रहती है वो बॉडी की, वो किस प्रकार परफॉर्मिंग करती है. ठीक है, और उनके लाइफ के फंक्शंस क्या होते हैं. बट द ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग इन अ मंकी हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ फिश. जैसे कि मंकी और फिश दोनों अलग अलग तरीके से ब्रीथिंग करते हैं. मंकी ट्री के ऊपर बैठ कर ब्रीथिंग करता है, फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है, तो वो किस टाइप से ब्रीथिंग करते होंगे. कैन यू से वाई, क्या आप बता सकते हैं वो अलग अलग टाइप से ब्रीथिंग क्यों करते हैं. वी नहीं ना, वी सी देयर फोर डेट द ऑर्गेन्स आर सूटेड टू द एनवायरमेंट इन विच एन एनिमल्स लिव्स. वो क्या करता है, एनिमल्स की लीव्स पर निर्भर करता है, रहने पर निर्भर करता है कि वो ब्रीथिंग कैसे रहते हैं, उनके एनवायरमेंट पर. जैसे कि ट्री को क्या एनवायरमेंट मिलता है, अरे सॉरी, मंकी को क्या एनवायरमेंट है, ट्री का मिलता है. ठीक है, तो वो ट्री पर ब्रीथिंग करते हैं. उनको वाटर में मिलता है, तो वाटर में उनको जिस टाइप से एनवायरमेंट मिलता है उस टाइप से, जैसे कि फिश उनकी गिल्स से वो ब्रीथिंग करते हैं, और अपन कहाँ से करते हैं, नोज से. ठीक है, डैट अज लुक एट हाउ एनिमल्स परफॉर्मिंग सम ऑफ दिस फंक्शंस. तो हम ये देखेंगे कि सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स कैसे कैसे फंक्शंस करते हैं. ठीक है,
और क्या परफॉर्मिंग करते हैं। ब्रीथिंग इन एनिमल्स, एनिमल्स ब्रीथिंग कैसे करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न डेट ऑल एनिमल्स रिस्पायर। ठीक है, जो एनिमल्स रहते हैं वो ऑलरेडी क्या, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथिंग किस टाइप से, सभी एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथिंग लेते हैं। डेट इज़ दे टेक इन ऑक्सीजन एंड यूज इट टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। वो ऑक्सीजन लेते हैं और एनर्जी लेके फूड क्या करते हैं, फूड को अपन अपने पाते हैं। ठीक है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किसको बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके आगे का ऑर्गेन्स फॉर ब्रीथिंग ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।